दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी। पैंडेमिक का टाइम है, सब लोग एक बार फिर से घर में कैद हो गए हैं, बिकॉज सेफ्टी इज फर्स्ट कंसर्न। ऐसे में ओटीटी पे काफी कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ऐसा एक नई वेब सीरीज आ रही है विच इज अबाउट पैंडेमिक, एंड ये जो कहानी कपल की है, तो इस वक्त पूरी टीम मेरे साथ है, प्रियांशु, श्रेया एंड डायरेक्टर नुपुर अस्थाना। नुपुर, आई लव योर वर्क एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन एज वेल। थैंक यू सो मच। तो ये जो पैंडेमिक का टाइम था, नुपुर आपसे शुरू करता हूँ। कपल्स के लिए बड़ा ही मुश्किल टाइम था। वैसे अभी तो शादियों का सीजन चल रहा है, एक एक करके सब शादी कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से आ गया है पैंडेमिक। तो ऐसे में आपकी कहानी जो है पैंडेमिक और कपल की जो दास्तां है, तो कितने रिश्ते टूट रहे हैं, क्या हो रहा है वायरस का असर यहाँ पर? बहुत बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो खुद सिंगल हूँ, पर मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे कजिन्स, मेरी बहन, दे वर ऑल यू नो इन लॉकडाउन विद देयर स्पाउसेस। एंड कोई यूज्ड टू नहीं है ना कि उनका हस्बैंड या वाइफ 24/7 उनके साथ हो। मतलब यू नो सुबह मिलते हैं, तब ऑफिस जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, और फिर यू नो सो सडनली टू बी लॉक्ड इन टुगेदर 24/7। तो मतलब जैसे आपने कहा कि बहुत डिवोर्सेज हुए, कुछ शादियां भी हुई, जैसे प्रियांशु की ब्रेव सोल है। प्रियांशु की तभी अभी शादी हुई है। हाँ तो मतलब ये मैंने कुछ बहुत सोच के नहीं लिखा, मतलब कि मुझे ये बनाना चाहिए, वो नहीं सोचा। मतलब कुछ मैंने काफी कुछ पढ़ा था, मेरे एक दो दोस्तों के साथ भी हुआ कि दे वर लेड ऑफ फ्रॉम वर्क, एंड पेपर्स में आ रहा था कि यू नो मोर विमेन देन मेन हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। ये मुझे बहुत ही अनफेयर लगा, थोड़ा काफी गुस्सा भी आया था पढ़ के कि मतलब ऐसा यू नो जब दो लोग होते हैं सामने और आपको एक ले ऑफ करना है, तो वो औरत ही क्यों होती है यू नो। मतलब तो ये थोड़ा सो ये मुझे बहुत अफेक्ट किया था। और फिर मैंने जब ये कहानी लिखी तो ऑटोमेटिकली अपने आप से हुआ, यू नो समटाइम्स स्टोरीज फाइंड देयर ओन होम इन अ सेंस। यू नो कुछ आइडियाज दिमाग में चल रहे होते हैं और वो अपने आप में जुड़ जाते हैं। तो यू नो एंड आई लव टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल, एंड यू नो सो ये जो आइडिया था अबाउट समवन गेटिंग लेड ऑफ काइंड ऑफ फ्यूज्ड विद द लाइफ ऑफ अ कपल जो वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन में है, और फिर ये कैसे ये दोनों डील करते हैं। क्योंकि एक तो होता है कि जिसके साथ वो हो रहा है और दूसरा बंदा है जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है सेकेंड हैंड, क्योंकि वही सामने है और उसकी उसी के सामने सब कुछ खुलेगा। मतलब जो वट एवर द पर्सन इज फीलिंग, श्रेयस कैरेक्टर। So it, you know, that's how it kind of happened, and मेरे लिए बहुत ही exciting story थी, and I was happy that these two actors also found it exciting enough to join the gang, so to speak, and get on board. क्या बात है, आप तो जर्नलिस्ट का रोल आप किए जा रहे हैं। आप दो बार जर्नलिस्ट बन चुकी है, ओटीटी की जर्नलिस्ट। तो इस बार लेड ऑफ, वैसे हमारे जर्नलिज्म में भी काफी लोग लेड ऑफ हुए, तो जो कैरेक्टर था इस कितना, हमेशा आपका योर कैरेक्टर्स आर रियल एंड दे वेरी रिलेटेबल, सो हाउ मच आई एम श्योर इट मस्ट बी अ रिलेटेबल स्टोरी एज नुपुर डिस्क्राइब। तो हाउ, व्हाट रेफरेंसेस वर देयर इन योर माइंड व्हेन यू प्लेइंग दिस? तो जब मेरी बात नुपुर से हुई, एक्चुअली मैंने भी वो आर्टिकल्स पढ़े थे जस्ट लाइक इन द स्टार्ट ऑफ द वीक। तो इवन आई वाज पॉन्डरिंग कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, सिर्फ ज्यादातर औरतों के साथ ही क्यों हो रहा है, अगर जॉब्स छूट रही है तो व्हाई इज इट हैपनिंग ओनली विद वुमेन। एंड इट वाज सो फनी कि वो बहुत अपॉर्चून टाइम में मेरी बात नुपुर से हुई और उन्होंने बताया कि स्टोरी क्या है। और स्टोरी में जैसे उन्होंने बताया कि अकू जो मेरा कैरेक्टर है, शी लूजेस हर जॉब, और वो भी ऑफ होती है। आई मीन इट्स नॉट बिकॉज शी गेट्स फायर्ड और उन्होंने कुछ गलती की है जॉब में या कारण कुछ, पर दैट पार्ट वाज वेरी एक्साइटिंग टू मी, क्योंकि हमें ऐसे बहुत रेयरली मौका मिलता है जहां हम जो हम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो हम स्टोरी बताना चाह रहे हैं या बना रहे हैं, दैट्स वेरी रिफ्लेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड दैट्स हैपनिंग। क्योंकि बहुत सारे कपल्स हैं जो पैंडेमिक में वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और उनके साथ भी वही हो रहा था जो इस स्टोरी में कपल के साथ हो रहा था। तो दैट पार्ट द मिररिंग ऑफ रियल लाइफ एंड रियल लाइफ वॉज वेरी एक्साइटिंग टू मी। और नुपुर ने बहुत पैशनेटली ये स्टोरी लिखा है और बनाया भी है, एंड इट्स ऑलवेज वेरी वंडरफुल एंड इट्स अ प्रिविलेज फॉर एन एक्टर टू बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द डायरेक्टर्स इमोशंस एंड पैशन एंड ऑल देयर फीलिंग्स। तो या दैट वॉज वेरी एक्साइटिंग। प्रियांशु, जैसे कि आपकी तो अभी अभी शादी हुई, आई थिंक पैंडेमिक के बीच में ही आपने शादी की, तो आई एम श्योर द होल थिंग मस्ट मस्ट बी कुछ कुछ, आई एम श्योर यू रिलेटेबल होगा कैरेक्टर में। हाँ, बहुत। मतलब एक तरीके से ये भी था कि जैसे
जितना बहुत टाइम मिला ना एक कपल को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने को, हम लोग करना अपने लाइफ में भाग दौड़ में लगे रहते हैं, तो आप कभी कभी आते हो, फिर जब घर में आते हो और स्पेशली अगर आप शूट शूट्स में हो, और इस बार कोई शूट पे था नहीं, सब कुछ जो हो रहा था घर से ही हो रहा था, अपनी मतलब काम वाम भी ऑनलाइन ही चल रहा है, वही चीज हम यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफकोर्स जो हमारी फिल्म में जो हम दोनों प्ले कर रहे हैं वो एक वर्किंग एवरीडे कपल है जो अपने ऑनलाइन काम में लगे रहते हैं, पर एक तरीके से आप इमोशनल लेवल में देखें तो हमारे अंदर बहुत कुछ हो रहा था, मेरे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम्स होती थी तो मैं अब किस किस सामने निकालूंगा, वो अपने पार्टनर के सामने नहीं, आप निकालते हो, तो इट्स अ मैन और अ वुमन, एवरीबॉडी वाज गोइंग थ्रू बहुत सारा इमोशनल टर्मोइल, तो हाउ डू यू मतलब दूसरा वाला बंदा उसको कैसे बैलेंस करता है, आप कैसे सपोर्ट करते हो, कैसे उसको ठीक करते हो, अपने प्लस और माइनसेस को कैसे साथ लेके चलते हो, आई थिंक वो चीज तो बहुत ही रिलेटेबल थी ऐसे स्क्रिप्ट पढ़ के, और आई थिंक सभी को आई थिंक जो भी कोई ये देखेगा सबके साथ ही एक तरीके से कुछ ना कुछ बदलाव आया अपने अंदर जब लॉकडाउन हुआ था, तो किस तरीके से हमने उसको ओवरकम किया, किस तरीके से समझा, अपने आप को समझा, अपने पार्टनर्स को समझा, तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत बदलाव आया, तो वही हम दिखा रहे हैं इस कहानी में। जी हाँ, तो नुपुर ये बताया कि अब ये बोला जाता है कि एक दुनिया थी जो पैंडेमिक से पहले थी, अब पैंडेमिक के बाद की जो एक दुनिया है, तो उसमें अभी काफी सारे चीजें बदल गई हैं, फॉर्मेट्स छोटे हो गए हैं, अभी ऑप्शंस आ गए हैं, तो पॉजिटिव्स देखें तो अभी ओटीटी इज द बिगेस्ट, यू नो स्क्रीन छोटा हो गया है लेकिन उसमें आने वाली चीजें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्मेट स्टोरीज, ये नई नई जो चीजें हैं, सिंस आपने फिल्में भी बनाई हैं, वेब सीरीज भी बनाई हैं, सो व्हाट डू यू थिंक दिस स्मॉल स्मॉल ऑन्टोलॉजीज, छोटी छोटी यू नो कहानियां, स्लाइस ऑफ लाइफ, द सो कॉल्ड, पर आई थिंक आपका तो हमेशा कॉन्सेप्ट स्लाइस ऑफ लाइफ ही रहा है, सो ये नए जमाने की जो नई पोस्ट पैंडेमिक न्यू फॉर्मेट्स के बारे में व्हाट डू यू फील, हाउ मच दे आर स्टिमुलेटिंग फॉर अ फिल्म मेकर एंड फॉर द व्यूअर्स, विद द रेडी टू एक्सेप्ट सच थिंग्स व्हिच जो शायद 5-6 साल पहले नहीं थे। आई थिंक ऑडियंस तो डेफिनेटली एक्सेप्ट करती अगर प्लेटफॉर्म होता इनके लिए। मैंने कनाडा में 20 साल पहले या 20-25 साल पहले अटेंड किया था कुछ फेस्टिवल जहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल था वो, एंड इंडिया में भी शॉर्ट फिल्म, अब वहाँ पे तो यू नो कंट्रीज में देयर इज अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, यू नो दे हैव ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशंस दैट गिव यू मनी टू मेक शॉर्ट फिल्म्स एटसेट्रा, यहाँ पे भी था लेकिन कम बनती थी, एंड एक जमाना था जब मतलब सभी को बनानी थी फिल्में लेकिन कोई ऑप्शंस नहीं थे, मतलब where will you screenshot films, right? तो मतलब मुझे लगता है कि viewer, ये viewer की चॉइस नहीं थी कि देखे कि नहीं देखे, आई थिंक इट वॉज मोर अबाउट कि यार अपॉर्चुनिटी हम कहाँ देख सकेंगे इसको, तो सो आई थिंक नाउ विद एंथोलॉजीज बीइंग एनकरेज बाय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब हर फिल्मेकर के लिए, इससे फिल्मेकर के लिए तो एक मीडियम ही है, मीडियम है ना, मतलब शॉर्ट फिल्म है, फीचर फिल्म है, ओरिजिनल सीरीज है, टीवी सीरीज है, तो ये सारी डिफरेंट मीडियम्स हैं, तो एंड वो स्टोरी पे भी डिपेंड करता है आपकी स्टोरी क्या है, कभी कभी स्टोरी को 2 घंटे चाहिए होते हैं, कुछ को 10 घंटे चाहिए होते हैं, कुछ साल पर साल, सीजन्स पे सीजन्स जा सकते हैं, कुछ को 20 मिनट, तो ये जो कहानी मैंने लिखी, यू नो आई लाइक आई एम रियली थ्रिल्ड दैट आई कुड मेक इट एज अ शॉर्ट फिल्म, एंड आई एम सो हैप्पी दैट इट्स पार्ट ऑफ दिस एंथोलॉजी जो ऐसी थीम को एक्सप्लोर कर रही है, तो अभी सारे फिल्म मेकर्स की फिल्में देखेंगे जो थीम को लेकर लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डील, यू नो देयर आर फिल्म्स अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द थीम, राइट, मैं ठीक बोला, आई एम साउंडिंग रैंडम टू माय सेल्फ, ये होता है पैंडेमिक में, जूम जूम के लिए वन ओवरआर्चिंग थीम एंड एवरी फिल्म मेकर हैज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक टू टैकल अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट, तो मैंने ये टैकल किया है, एंड अदर फिल्म मेकर्स आर टैकलिंग डिफरेंट अदर, सो यू नो व्हेन यू, सो आई थिंक इट्स वेरी सैटिस्फाइंग लाइक फॉर मी एज अ व्यूअर एंड एज अ फिल्म मेकर टू स्पेशली एज अ व्यूअर टू सी डिफरेंट थिंग्स अबाउट द सेम, बिकॉज यू नो मतलब एक चीज में आप कैसे सब कुछ टैकल कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, मतलब दिस पैंडेमिक हैज बीन ह्यूज, मतलब इसके रैमिफिकेशंस, इसके रेपरकशंस, इसके इफेक्ट्स तो इतने हैं, वो एक फिल्म में तो कोई बोल नहीं सकता सब कुछ, और सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है, एक माइग्रेंट वर्कर, एक वेजिटेबल सेलर, कोई साला माफिया वाला उसका भी काम रुक गया था पैंडेमिक में, यू नो कॉर्पोरेट वाले, जैसे इन दोनों के कैरेक्टर्स हैं सबके, मतलब सब हमारे फिल्म मेकर्स, यू नो सबकी लाइफ किसी ना किसी तरीके से थोड़ी पॉज पे थी, तो वो डिफरेंट तरह की डिफरेंट लोगों की अलग अलग कहानियां अगर एक एंथोलॉजी में हो तो इट्स सो वंडरफुल, यू नो, so I just think it's a great opportunity.
वैसे श्रेया और प्रियांशु के लिए तो काफी अच्छा रहा, बिकॉज इन लोग कितनी धनाधन, एक के बाद एक श्रेया, यू लाइक द रूलिंग द ओटीटी स्क्रीन, आई एम ऑन द फ्लिप साइड, पॉजिटिव साइड। सो हाउ हैज द पेंडेमिक में आपके मैक्सिमम कंटेंट दिखा आप दोनों का ही? सो श्रेया, हाउ वाज योर द पेंडेमिक इयर्स इन टर्म्स ऑफ वर्क वाइज? आई एम श्योर पॉजिटिवली so many people now know Shreya as the OTT queen. यार ये टाइटल आप ना मुझे देके मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे हो आप। नहीं, but I'm very grateful, सच में। ये अलग बात है क्योंकि मेरा सबसे सक्सेसफुल प्रोफेशनल ईयर तब हो रहा था जब द वर्ल्ड वॉज हैविंग देयर वर्स्ट ईयर, एंड दैट्स अ लिटिल, मतलब आपको पता नहीं है आपको कैसे सेलिब्रेट करना है बिकॉज एवरीबडी एल्स इज गोइंग थ्रू सच अ बैड टाइम। तो इट्स अ थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग वाला ईयर है डेफिनेटली, बट आई एम वेरी ग्लैड कि मेरा काम बाहर आया और वो भी अलग किस्म का, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स थे, अलग किस्म के रोल्स थे, एंड पीपल नॉट ओनली सॉ इट, उनको अच्छा भी लगा एंड दे सेलिब्रेटेड इट। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल यार। आई होप ये कंटिन्यू होए विद अनपॉज टू एंड इट बिकम्स यू नो अ कंटिन्यूएशन, ना कि ये थर्ड वेव के बारे में एक और पैंडेमिक का ईयर एड हो गया उसमें, पर वैसा नहीं है, बट आई जस्ट होप दैट दे कंटिन्यू टू celebrate us and watch our work. Priyanshi, we're missing the physical event. मैंने लास्ट तुम्हारे साथ ही हम अहमदाबाद गए थे तुम्हारी फिल्म के प्रमोशन के लिए। सो कितना अलग होता है एक रियल लाइफ, ऐसा लगा नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई थी। एंड आई वेंट विद प्रियांशु फॉर वन ऑफ हिज फिल्म के लिए एंड वी रियली हैड डन, बट फिर से वापस ये सिचुएशन आ गई है। तो रियल दुनिया में जो इवेंट्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, एंड दिस डिजिटल दुनिया, कितना फर्क लगता है प्रियांशु, जिंदगी कितनी बदल गई है सब? मैं अभी बस आपके इंटरव्यू से पहले ही मैं आपको ये कह रहा था कि मैं बहुत मिस करता हूँ वो, और वो जो एनर्जी होती है अलग तरीके से अपनी फिल्म को प्रमोट करने की। हम अहमदाबाद में जब रश्मि रॉकेट के लिए मिले थे, जो वहाँ बातचीत होती है, एक तो घर में बैठे बैठे एक ही सोफा में तो आदमी मतलब थोड़ा सा बोर हो ही जाता है ना। जी जी, हल्की सी आपकी एनर्जी चेंज। तो ये बॉक्स में, जूम कॉल्स में, स्टार्टिंग में आई एम ग्रेटफुल ऑल्सो कि ये कर पा रहे हैं, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम में पिछले साल जब 2 साल हम लोग नहीं कर पा रहे थे अपनी फिल्म को, सबको प्रमोट करना ही था, ये ग्रेटफुल हूँ कि एटलीस्ट इस जरिए हम लोग हमारी बात हो पाई। तो स्टार्टिंग में मजा आया, जूम में लोगों ने परफॉर्मेंसेस भी करी, हमने तरह तरह की चीजें भी करी, नाटक किए इंस्टाग्राम में, मैंने और श्रेया ने इनफैक्ट एक परफॉर्मेंस करी थी साथ में ही हमने उस टाइम पे जूम कॉल पे। पर अब हो गया ना, फिर आपने सही बोला ना कि अभी सडनली नॉर्मल हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल होने लग गया था, हम वापस शूट्स पे चले गए थे, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, वैक्सीनेटेड हो गए थे। अब नहीं चाहता कि वापस घर में बैठ के जूम कॉल में, लोग अनपॉज टू देख के, मैं तो बार बार यही कहा जा रहा हूँ कि अनपॉज टू में हम ये दिखा रहे हैं कि भाई 2021 में जब दूसरा वेव आया, हमारी फिर से गलती हुई थी, लोगों ने प्रिकॉशन नहीं लिए थे, और तब क्या हुआ, तब क्या क्या लोगों ने सफर किया था, क्योंकि तब कोविड के तो भाई हम आदि हो गए एक तरीके से, कोविड के मतलब मास्क पहनने से, सैनिटाइजर से, और ये जितने भी प्रिकॉशन है, लेकिन उसको और स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा बिकॉज हम नहीं चाहते कि थर्ड वेव आए। तो आई थिंक अनपॉज टू देखेंगे तो शायद याद आ जाएगा कि क्या क्या हुआ था सेकेंड वेव के टाइम पे। मुझे ये लगता है, आई एम होपिंग कि हम स्ट्रिक्ट रहें अपने साथ, और ये बार बार जूम कॉल में आपसे बात ना हो, वापस मिलकर बात करें। जी जी, तो उम्मीद करते हैं कि हमारा अनपॉज ना हो, तो आई एम श्योर घर पे बैठ के अनपॉज देखिए, एंड एज प्रियांशु ने बोला सबने कि वो हम गाइडलाइंस याद रखें कि थर्ड वेव ना आए, अनपॉज ना हो। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल थ्री ऑफ यू, जल्दी मिलते हैं हम फिजिकली। थैंक यू, बाय बाय बाय।